is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है तब से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। गाजियाबाद में भी ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। वसुंधरा स्थित एमएटी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस का अभिभावक विरोध करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे इन अभिभावकों का कहना है कि हिसाब मांगने पर स्कूल आंखें दिखाता है। स्कूल पे जब हमने उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने ये अपनी फीसेस बढ़ाई हैं, एसी लगाए हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे रहे हैं, जो एक्टिविटीज दे रहे हैं, और जब हमने उनसे ये क्वेश्चन उनके आंसर मांगने चाहे तो उन्होंने हमें बहुत ही रूड वे में और बैड लैंग्वेज यूज करके उन्होंने हमें बोला एंड शी आस्क्ड कि आपने एमिटी में डाला ही क्यों है अपने बच्चों को, हमने कॉल करके नहीं बुलाया था। अभिभावकों का गुस्सा चरम पर था। स्कूल ने जब उनकी नहीं सुनी तो इसकी शिकायत लेकर सभी अभिभावक जिलाधिकारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अभिभावकों की बात सुनी और कार्रवाई करने की बात कही। जिन भी स्कूलों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनको नोटिसेस निर्गत किए गए हैं यहाँ डीआईएस कार्यालय के माध्यम से और उनका भी पक्ष लिया जा रहा है। गलतियां पाए जाने पे उनकी संस्तुति करते हुए, उनकी मान्यता रद्द करने की संस्तुति करते हुए कि वो वायलेशन कर रहे हैं, तथा एक समिति गठित करके इसकी जांच की जाए। यदि वो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है तो संबंधित चेयरमैन को भी लिखा जा रहा है और यहाँ शिक्षा निदेशक को भी भेजा गया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर सरकारों ने कोशिशें तो बहुत की हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सका। अभिभावकों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर आलीशान स्कूलों के मालिक मजे लूट रहे हैं। देखना ये होगा कि योगी सरकार इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगा पाएगी या फिर यूं ही स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी। गाजियाबाद से एक्सपोज इंडिया के लिए संजय मित्तल की रिपोर्ट। Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India.